जय श्री राम। आज खत्री समाज के उपनामों की चर्चा में चर्चा करेंगे सब्बरवाल उपनाम के बारे में। हिंदू समाज में अक्षत्रिय से अपभ्रंश हुए खत्री समाज में एक उपनाम होता है सब्बरवाल, जो कि लोग अक्सर अपने नाम के पीछे लगाते हैं। इसको उपनाम भी बोलते हैं, उपजाति भी बोलते हैं, सरनेम भी बोलते हैं आदि आदि। सब्बरवाल खत्री जो होते हैं, इनका गोत्र होता है हंसल। हंसल गोत्रीय ये कहे जाते हैं। इनके कुल पुरोहित जो होते हैं वो हैं मदन खम्ब नाम जाति के ब्राह्मण। मदन खम्ब नाम के ब्राह्मण जो हैं वो कहे जाते हैं सब्बरवाल खत्रियों के कुल पुरोहित। इस बात को ध्यान रखें। और हमेशा हमें अपने कर्म कांड आदि सभी कार्य, विवाह शादी आदि जो भी कार्य होते हैं, वो अपनी ही जाति के नियुक्त ब्राह्मण से करवाने चाहिए, क्योंकि उनको एक तो हमारी परंपराओं का पता होता है, हमारे घर के रीति रिवाजों का पता होता है, और उनका अधिकार भी है हमसे दान ग्रहण करना, और हमारा दान पुण्य आदि उन्हीं गोत्र के ब्राह्मणों को दिया हुआ ही फलदायी होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और सब्बरवाल जो सरनेम है, इसके जो कुल देवता जो हैं बाबा मधर, बाबा मधर कहे जाते हैं। तो हमेशा आपको अपने कुल देवता के स्थान पर जाना चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए, अपने कुल पुरोहितों से अपने कर्म कांड आदि कार्य करवाने चाहिए। कुल देवी जो है वो, उसके बारे में मैं पूर्णतः सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि वैष्णो देवी को जो है सब्बरवाल वाले अपनी कुल देवी मानते हैं। वैसे दुर्गा माई, किसी ने मुझे बताया कि दुर्गा माई जो है कुल देवी हैं इनकी, तो इस बारे में आप थोड़ा जानकारी और भी प्राप्त करें, या आपके पास जब भी कोई जानकारी मिलती है तो कृपया आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप उसके बारे में जानकारी मुझे जरूर दें, ताकि मैं आगे वीडियो को संशोधित रूप से बना करके समाज की सेवा कर सकूँ। मेरी कोशिश भारत की संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार करने की, जिसमें खत्रियों की जातियां, गोत्र आदि सभी को उनके जड़ों तक पहचाने की, उनके वंश के बारे में हर जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप सभी भी मेरे इस अभियान में मेरी मदद करें। आप इस ज्ञान रसधारा चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, और इन वीडियोस को आप शेयर करें, और नोटिफिकेशन का बटन दबाएं, ताकि आपके पास हर वीडियो की जानकारी तुरंत पहुँचे और आप उससे लाभान्वित हों। जय श्री राम।